हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और मैं हूँ इस समय बलिया के हनुमानगढ़ छोड़ा गांव के श्री राम मंदिर में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के मंदिर और इसकी हिस्ट्री कैसी है और कौन यहाँ के संस्थापक है और सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर कैसा है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मंदिर पे आएँ। देख रहा है और वो है बलिया से, तो आप इस श्री राम मंदिर में आ सकते हैं जो कि है हनुमानगंज छोड़ा गांव में बलिया के, और शंकरपुर से करीबन अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। आप आए यहाँ पे, काफ़ी शांति है यहाँ पे एंड नीट एंड क्लीन है ये मंदिर। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, पीछे की तरफ स्कूल भी है जो मैंने आपको दिखाऊँगा अभी। काफ़ी अच्छी जगह है। We'll be right back.
हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और मैं हूँ इस समय बलिया के छड़हड़ हनुमानगंज गांव के श्री राम मंदिर में। और हमारे साथ हैं इस मंदिर के संस्थापक श्री केशव प्रसाद मिश्र, जो कि पूर्व रिटायर्ड अधीक्षक रह चुके हैं और इस मंदिर के संस्थापक हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह रही कि इस मंदिर बनाने के पीछे। तो केशव प्रसाद मिश्र, सर्विस में जाने से पहले मेरे भावना थी कि मैं जो नौकरी सरकारी मिल जाएगी उसके बाद एक मैं मंदिर का निर्माण करूंगा। ऐसी भावना मुझे पहले सी थी और इस पर हमने आगे। तो ये इस मंदिर कब बनना स्टार्ट हुआ था? ये सन 1990 से स्टार्ट हुआ और 2001 में जाके कंप्लीट हो गया। तो आपके माइंड में कैसे ये बात आई कि आपको श्री राम जी का ही मंदिर बनाना है? आपके इसके पीछे कुछ ऐसा रीजन ये था? कुछ होगा ऊपर की दैविक कृपा होगी जो इस तरह की मुझे भावना दिया। अच्छा, हाँ। या फिर आप राम जी के पूरा पहले से भक्त? नहीं, हाँ, ये राम जी के, शिव जी के, हम दोनों के भक्त हैं। अच्छा, तो ये था आधार, तो यही था। अच्छा, और इसी आधार पर मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि बने, लेकिन जिस स्वरूप में ये बना है इस इतने बड़ा का स्वरूप नहीं था हमारे दिल में। हालांकि देखा जाए तो बलिया में इससे बढ़िया मंदिर अभी तक नहीं है। बलिया का पूर्वांचल में नहीं है? अच्छा, पूर्वांचल में आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ऐसा मंदिर और भी किसी जगह है यहाँ पे? नहीं है, मुश्किल है, मंदिर तो बहुत हैं। अच्छा, लेकिन ये ईस्टर्न यूपी में सबसे अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। कितना वर्ष लग गया इस मंदिर को बनाने को? 11 साल लग गया। और 2001 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2001 में? हाँ, 2001 में प्राण। तो मैंने देखा पत्थर वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, कहीं बाहर से भी लाया गया या फिर सारा यहाँ बलिया किसी? नहीं, सब इसमें 99% बलिया के नहीं हैं, सब बाहर गए। अच्छा, बाहर से मंगवाया गया। हाँ, इसमें कारीगर भी बनाने वाले जो हैं वो सब झांसी के बॉर्डर के रहने वाले हैं। अच्छा, सारे कारीगर वहाँ के हैं। तो जब ये मंदिर बनाने की आपने शुरुआत की होगी, सोचा होगा, तो काफ़ी मुश्किलें आपके साथ माइंड साथ पास में आई होंगी? बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ जो मंदिर का था बहुत बड़ा हो गया, नक्शा बड़ा बन गया। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेरे विचार में टेंशन कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि नहीं बनेगा, वो कि हाँ, लेकिन संघर्ष चलता रहा। बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी उसका फिक्र नहीं रहता था। अच्छा, हम जानते थे कि हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे कि मैं समझूं कि मेरे सारा परिवार, गांव वाले लोग ने समझाया कि कहाँ से आप बनाइएगा। लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैं किसी की बात सुना नहीं, मैं चलता रहा अपनी राह में। हाँ, उसका भगवान की तरफ से कृपा हुई, अब बना। तो अभी यहाँ पे देखा है तो काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं। हम भी, आप आए आज इस मंदिर को देखने के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ फोटोग्राफी बहुत होती है, जैसे क्रेज बन गया है, सब जाता है। हमारे ख्याल से पूरा ओवरऑल दिया में इसका फोटो चला गया है। ये तो फोटो, हाँ, ये तो है। काफ़ी मंदिर हालांकि देखने में सुंदर है, लेकिन थोड़ा इसका रिपेयरिंग अभी कब लास्ट टाइम हुई थी? इसकी रिपेयरिंग होती रहती है? रिपेयरिंग अक्सर मैंने हम लोग कराते रहते हैं कहीं भी। हाँ, जैसे आपको लगेगा कि नए मंदिर है। हाँ, लेकिन इसको बने 20 साल हो गया। अच्छा, चलते हुए 20 साल हो गया। अच्छा, बनना तो 90 से, तो 30 साल हो जाएगा। इतना दिन 20 साल चल रहा है, 20 साल से पूजा पाठ हो रहा है। तो इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट थे वो भी बलिया से थे? ना, आर्किटेक्ट दिल्ली के, ये नक्शा दिल्ली के बनाए थे आर्किटेक्ट, ये दिल्ली के बनाए थे। तो अब आप फिलहाल क्या करते हैं? मैं अब तो सेवानिवृत्त हूँ, घर पर रहता हूँ, तीर्थ पर जाता हूँ, बनारस भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ। जा चुके हैं आप जी? सारे तीर्थ कर चुके हैं लगभग? मैंने सब तीर्थ किया, सब सब केदारनाथ, सब सब जो नाम लोगो सब। अच्छा, आप लो सोलो या सब कर चुका? सोलो या फैमिली? नहीं, मैं अकेले
अकेले मतलब मेरे पत्नी तो मेरे उनका देहांत हो गया था 94 में 94 में। अच्छा। तो वहाँ से सिलसिला कटा। अच्छा। जो और अकेले हुए तो अकेले प्लस और मित्र दोस्त लोग रहते हैं, कंपनी रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ परिवार है हमारे, सारा परिवार है, बच्चे 4 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, सब लोग। तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है? आज तो यहाँ चैता कहते हैं हम लोग। अच्छा, चैता होने वाला है। अच्छा। चैत्या के जो विख्यात हैं। हाँ। गिरी। अच्छा। वही आ रहे हैं चैता के कार्यक्रम में। मंदिर है, ट्रस्ट चलता है या फिर क्या? नहीं, इसका ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट? हाँ, बैंक में इसका अकाउंट है। अच्छा। तो वो प्रोसेस तो है, इसके कमेटी भी है, मैनेजमेंट कमेटी भी है। अच्छा। उसके अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। संस्थापक आप भी हैं? जी, संस्थापक में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें केशव प्रसाद जी से बात करके। सो और कुछ बोलना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? संदेश तो मैं एक ही दूंगा कि आदमी साधन विहीन हो तो भी उसके मन में अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो कुछ बनाने की, अच्छा काम, जिसको वो सोच नहीं रहे कि उसके आर्थिक लिमिट के बाहर है। हाँ। सोच के बाहर है। हाँ। वो भी काम हो सकता है, वो अगर अपने पार्टी का ईश्वर पर विश्वासी है। अच्छा। ईश्वर पर दृढ़ विश्वासी है तो उसका काम हो जाए। चलिए ठीक। और लोगों को आने के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे इस मंदिर के बारे में? आइए, उनको तो मेरी शुभकामना यही है कि वो आए, दर्शन करें मंदिर का, देखें और कहेंगे। हाँ, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज हमें केशव प्रसाद मिश्र जी से बात करके। तो आपको दिखाता हूँ फिर आगे की मंदिर। नमस्कार, मुझे लोग संजय मिश्रा के नाम से जानते हैं और मैं श्री राम मंदिर छुणहर का सहसंयोजक हूँ। यहाँ का कार्यभार या जितनी भी कार्यक्रम व्यवस्थाएं होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। इस मंदिर के निर्माता पंडित श्री केशव प्रसाद मिश्रा हैं। मेरा एक दायित्व और है इस मंदिर के प्रति। मैं प्रबंधक हूँ श्री राम जानकी DAV पब्लिक स्कूल का, जो इसी मंदिर में स्थापित किया गया है। और इस विद्यालय का मंदिर के साथ समागम इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ भगवान का वास हो वहाँ सरस्वती माँ अगर विद्यमान रहें तो अति उत्तम हो जाता है। और इस तरीके से छोटे छोटे गरीब बच्चों को बड़े ही सस्ते फीस में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और जो इससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे हम इस मंदिर के निर्माण व्यवस्था में या मंदिर के संचालन में राग भोग के लिए इन सब चीज़ों में उसको लगाते हैं। हमारे पिताजी पंडित श्री केशव प्रसाद मिश्रा जी एक बार हमारी माताजी के साथ बैठे थे। हमारी माताजी उस समय स्वस्थ नहीं रहा करती थी और उनको कैंसर जैसा रोग था जो कि प्रभु की कृपा से धीरे धीरे स्वस्थ भी हो गई और ठीक भी हो गई। लेकिन बाद में इस मंदिर को लेके उनकी बड़ी जिज्ञासा थी कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए और उन्होंने इस सिलसिले में हमारे पिताजी से चर्चा की। पिताजी भी उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर निर्माण ज़रूर होगा। और उसके लिए उन्होंने भूमि तलाश करनी शुरू कर दी। अंततः ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना अपने गाँव में ही मंदिर का निर्माण कराया जाए ताकि इस मंदिर के प्रताप से, इस मंदिर के विख्यात होने की वजह से ये हमारा जो पुस्तैनी गांव है ये भी पूरे ज़िले में विख्यात हो जाए। और आज हकीकत आपके सामने है, इस मंदिर से हमारा गांव पूरे बलिया ज़िला में जाना जाता है या जो भी बलिया ज़िला का चाहे वो बाहर प्रवासी रहने वाला हो या विदेशों में रह रहा हो इस मंदिर के बारे में जानता है। यहाँ पे जो भी आएगा बाहर से तो इस मंदिर पे जरूर आता है। उस ऐतिहासिक दिन
आपको एक बहुत बड़ी बात इस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये संयोगवश ही था, इसका जो भूमि पूजन और शिलान्यास का दिन निर्धारित किया गया वो ऐतिहासिक दिन था 6 दिसंबर 1992। हमें नहीं मालूम था कि अयोध्या में इस ऐतिहासिक दिन के दिन बाबरी मस्जिद गिरने वाली थी। उसका दिन निर्धारित नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने वाली थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 का शिलान्यास जो इस मंदिर का हुआ वो आज की डेट में वो ऐतिहासिक दिन था कि यहाँ पे शिलान्यास के लिए यहाँ पे फौड़े चलाए जा रहे थे और मस्जिद वहाँ गिर रही थी। ये संयोग कह लें या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रभु की लीला है, या हो सकता है कि प्रभु श्री राम ने कहा कि जब वहाँ पे व्यवस्था, जब मंदिर वहाँ पे निर्माण हो जाए तब तक मैं यहीं श्री राम मंदिर में ही अपना एक स्थान बनाऊं और इस छोड़हर गांव में अपना स्थान बना के तब तक रहूंगा जब तक मंदिर निर्माण हो नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब पहला छत पड़ा तो इस मंदिर का छत का उद्घाटन उनके द्वारा ही कराया गया था। स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री के पद पे थे और उन्होंने जब पहला छत हुआ तो उसका निर्माण उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बाद उनके पुत्र श्री नीरज शेखर जी भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बनारस के मौनी बाबा ने इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया और इस प्राण प्रतिष्ठा में सैकड़ों का हुजूम, इस हमारे गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग, उनका बड़ा सहयोग रहा, यहां पे आए। उस समय के चैता का प्रोग्राम भी हुआ था उद्घाटन के टाइम में। चैता में हमारे विश्वविख्यात धुरान काका, जिनको वीरेंद्र सिंह धुरान के नाम से जाना जाता है, और गायत्री ठाकुर जी का चैता का प्रोग्राम हुआ। भोजपुरी के सम्राट भरत शर्मा का गायन प्रोग्राम हुआ, गोपाल शर्मा जी भी उस समय थे, और इन सब प्रोग्राम में बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। यहाँ पे शुरू से जब से मंदिर अब तक बन चुका है तब तक बहुत गणमान्य व्यक्तियों का आगमन हो चुका है। यहाँ का कोई भी ऐसा बलिया जिला का गणमान्य व्यक्ति नहीं है जो इस मंदिर पे नहीं आया हो। चाहे आप प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम ले लें, चाहे आप मनोज सिन्हा जी का ले लें जो केंद्रीय मंत्री हैं आज, चाहे आप अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो राइट टू इंफॉर्मेशन के कमिश्नर श्रीधर आचार्यलू जी का भी आगमन यहाँ पे हो चुका है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, सारी वीडियोग्राफ, सारे फोटोग्राफ्स, ये सब हमारे पास संग्रह के रूप में रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोगों का आगमन तो होता ही है। हमने देखा कि बचपन से ही हमने देखा कि हमारे पिताजी का, जो हमारी माता का स्वप्न को पूरा करने का जो डेडिकेशन हमने देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे पिताजी ने अपनी नौकरी का सारा तनख्वाह 1992 से लेके और 2001 में जब इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर का, तब तक सर्वस्व अपना इस मंदिर के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड, अपनी पेंशन से एक एक पाई, एक एक पैसा, उन्होंने सारा कुछ इस मंदिर के नाम पे लगा दिया। सारी मूर्तियाँ यहाँ पे, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, चाहे वो हम रामलला की मूर्ति देखते हों, चाहे माँ सीता का मूर्ति देखते हों, चाहे लखन लला जी का मूर्ति देखते हों, हनुमान जी का मूर्ति देखते हों, जो छोटे हनुमान राम दरबार में हैं उनकी मूर्ति देखते हैं, दुर्गा माँ का हम मूर्ति देखते हैं, शिव पार्वती का मूर्ति देखते हैं, ये सारी मूर्तियाँ जयपुर से लाई गई थी। और मंदिर निर्माण होने से पहले ये सारी मूर्तियाँ यथा स्थिति में पैक्ड, वैसी की वैसी रखी थी। जब तक मंदिर बनता रहा तब तक यहाँ पे श्री राम दरबार की सारी मूर्तियाँ, राम माता दुर्गा की मूर्तियाँ, शिव पार्वती की मूर्तियाँ, वो सारी मूर्तियाँ पैक्ड करके और रखी गई थी ताकि जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन आवे तो हमें कहीं ये ऐसा ना हो कि हमें खरीदने में दिक्कत हो या मूर्तियों के चयन में हमें कोई दुविधा हो। तो हमारे पिताजी ने उसी मंदिर निर्माण होने से पहले मूर्तियों का चयन कर लिया था।
और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया तो इन मूर्तियों को स्थापित किया गया। ये मूर्तियाँ आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी आपसे बोल पड़ेंगे। वाकई लगता है कि हाँ, श्री राम जी ने उस दिन हमारे यहाँ पदार्पण कर दिया है। उधर मस्जिद गिरा तो इधर प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, ऐसा लगता है कि इसी मंदिर में ही आ गए हों। हमारे पिताजी ने यहाँ तक कि जब उनका निर्धारित किया गया पेंशन का, तो पेंशन की सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ, एक तिहाई सैलरी भी बेच दी उन्होंने अपनी। और उनका हमसे कहना रहता है कि हमारे बच्चों से यही बहुत बड़ा सहयोग रहा है बच्चों का, कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को बाधा नहीं बने हमारे कार्य क्षेत्र में। हमने जो जैसे जब चाहा तब वैसे मंदिर निर्माण कराने में इन बच्चों का हमारा सहयोग रहा है, कभी बाधा नहीं बने। और आज ऊपर वाले बहुत, जब शुरुआत में बड़े हम लोग ताज्जुब करते थे कि शुरुआती दौर में जब मंदिर का निर्माण हुआ, हम लोग बैठते थे, लोग दर्शन करने आते थे, तो लोगों के मुख से जब हम सुनते थे कि किसी पुलिस अधिकारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया है, और इसलिए निर्माण कराया है कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, तो वो इसलिए उन्होंने उसका निर्माण करा। हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता था कि लोगों के दिमाग में ये है कि जिनके पूरे, जिनका पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, 4 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, उस महान पुरुष के बारे में लोगों का सोचना ये है कि जिसका, जिसके पास कोई नहीं होगा वही मंदिर निर्माण करा सकता है। ऐसा तथ्य गलत है। जिसके पास पूरा भरा परिवार है वो भी अगर निष्ठा हो तो भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण करा सकता है, और वो आज हम देख सकते हैं और दिखाया गया है। उन्होंने इस भावना को, अपनी भावना को सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ, अगर निष्ठा हो तो कहीं पे भी हम राम, श्री राम का दर्शन कर सकते हैं और श्री राम को स्थापित कर सकते हैं और श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ, और धन्यवाद, नमस्कार। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये मंदिर कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट मी इन माई कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं कहाँ जाऊँ। हालांकि अभी राहुल यादव जी की जो अभी डेस्टिनेशन है वो रिमेनिंग रह रही है, सो आई विल ट्राई कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।